फिल्म अभिनेता सलमान खान व शिल्पा शेट्टी द्वारा बाल्मीकि समाज के बारे में किए गए अपशब्दों से खफा होकर बाल्मीकि समाज के लोगों ने आज इंद्री शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शहीद ऊधम सिंह चौक पर इकट्ठा हुए और हाथों में पुतले लेकर दोनों अभिनेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह लोग नारेबाजी कर रहे थे और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बाद में पूरे शहर में प्रदर्शन किया और इंद्री बस अड्डे के पास जाकर दोनों के पुतले दहन किए। आज का हमारा जो विरोध है भगवान वाल्मीकि की जो वंशज है, जो संतान है, और भगवान वाल्मीकि के बारे में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के द्वारा जो हमारे गुरुजी के बारे में बंगी शब्द, आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, हम इसका विरोध करते हैं कि कोई समाज, जिस समाज को वो बोल रहे हैं, हमारा समाज तो सबसे बड़ा समाज जो में गिनती आती है, ऐसे गुरु के बारे में सलमान खान ने इतनी बड़ी बात कही, हम उसका पुतला फूंके हमने, और साथ के साथ हमारे समाज ने यह भी निर्णय लिया है कि सलमान खान की आने वाली जो फिल्में होंगी हम उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। सलमान खान, शिल्पा शेट्टी की जो भी आगामी फिल्में आएंगी, हम, हमारा समाज उन फिल्मों का बहिष्कार करता है और सलमान खान का ही बहिष्कार करता है। भारत सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जो भगवान वाल्मीकि समाज के वंशजों को भंगी शब्द कहकर उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। शिल्पा शेट्टी और सलेमान, उन्होंने कटाक्ष किया है कि मैं तो भंगी जैसा लगता हूं। वाल्मीकि कभी भंगी नहीं होते, वो पूरे देश को स्वच्छ रखते हैं। जिस दिन भगवान वाल्मीकि के वंशजों ने देश की सफाई का काम बंद कर दिया, भारत की स्वच्छ पोल भी खुल जाएगी। मैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन पर FIR लॉज हो और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश का वाल्मीकि समाज उग्र रूप हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इन बाल्मीकि समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि यदि दोनों अभिनेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। आज न्यूज के लिए इंद्री से MS निर्मल।